अजित पवार गुट के एनसीपी प्रवक्ता अमोल मिटकरी के खिलाफ मनसे की आक्रामकता बढ़ गई है। मनसे कार्यकर्ताओं ने अमोल मिटकरी की कार में तोड़फोड़ की है। यह विवाद तब बढ़ा जब अमोल मिटकरी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की आलोचना की, जिससे कार्यकर्ता नाराज हो गए। अजित पवार गुट के नेता अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे पर सुपारी लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अकोला में उनकी कार पर हमला हुआ है। नाराज मन से कार्यकर्ताओं ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए और उन पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। इस घटना से मनसे और अजित पवार गुट के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए गुलाम मोहसिन, अकोला।